राजस्थान में कोरोना संक्रमण के कारण बंद किए गए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च और मठ सहित सभी धार्मिक स्थल कुछ विशेष शर्तों के साथ आगामी 7 सितंबर से आम लोगों के लिए खुल जाएंगे। धार्मिक स्थलों पर मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने सहित कोरोना के बचाव के सभी सुरक्षात्मक उपायों का पालन करना अनिवार्य होगा। समय समय पर इन धार्मिक स्थलों को सैनिटाइज करना होगा व संबंधित जिला कलेक्टर और SP बड़े धार्मिक स्थलों पर जाकर वहां की व्यवस्थाओं को भी देखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि प्राप्त सुरक्षा उपाय हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सही तरीके से किया जाए। CM अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को कोरोना संक्रमण को लेकर एक समीक्षा बैठक के दौरान यह बड़ा फैसला किया गया। CM अशोक गहलोत ने बैठक में निर्देश दिए कि धार्मिक स्थल सहित सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ न इकट्ठा हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए व हेल्थ प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन भी किया जाए। CM ने आमजन से भी अपील की कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए जहां तक संभव हो पूजा, उपासना, प्रार्थना और नमाज घर पर रहकर ही की जाए ताकि धर्म स्थलों पर भीड़ न जुट सके। CM गहलोत ने कहा कि जिला स्तर पर जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि बड़े मंदिरों में विशेष दिनों पर दर्शनार्थियों की भीड़ न जुटे और सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी भी पालना हो। CM गहलोत ने कहा कि भारत सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार प्रसाद, फूलमाला व अन्य पूजा सामग्री ले जाने और घंटी बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज, जयपुर।